तो देखिए, आज बात करेंगे ऐसे लाभार्थी जिनको पेंशन का लाभ नहीं मिला है। और आप जानते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो पेंशन की राशि है वो बढ़ाई जाएगी, लेकिन कब तक बढ़ाई जाएगी इसका अभी तक कोई डिसीज़न नहीं लिया गया है। और हो सकता है कि आपकी जो पेंशन की राशि है वो इसी में बढ़ाकर आए, लेकिन इसके लिए अभी हम कोई फिक्स डेट या फिक्स नहीं कह सकते कि आपको 1500 रुपये के में आपको 4500 रुपये मिलेंगे, क्योंकि आपकी जो पेंशन है वो अगले महीने से, यानी अगस्त चल रहा है, सितंबर से आपकी पेंशन पड़ना शुरू हो जाएगा, चाहे वो विधवा पेंशन हो, बुज़ुर्ग हो, या फिर आपकी दिव्यांग पेंशन हो। लेकिन जो पेंशन की राशि बढ़ाने को कहा गया था काफ़ी समय हो चुका है और अभी तक पेंशन की राशि नहीं बढ़ाई गई है। तो ऐसे में दोस्तों आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी सारे दिव्यांग व्यक्ति हैं, लेकिन उनकी पेंशन में कोई इंक्रीज़ नहीं की गई है। आखिरकार उन लोगों की पेंशन की राशि दोस्तों है वो कब तक बढ़ाई जाएगी, ये भी काफ़ी लोगों का सवाल है। और जो पेंशन बढ़ना चाहिए वो अभी तक नहीं बढ़ी है, क्योंकि पेंशन की राशि काफ़ी सारे राज्यों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में काफ़ी समय पहले कहा गया था कि आपकी जो पेंशन है वो 1500 रुपये की जाएगी, लेकिन अभी तक उसका कोई डिसीजन या कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। तो दोस्तों ऐसे में मान लीजिएगा, अगर आपकी पेंशन नहीं आती है किसी कारणवश 4500 रुपये, तो आपके 3000 रुपये कंपलसरी हैं और आपको 3000 रुपये की पेंशन मिलेगी, लेकिन जल्द ही आपको इसका लाभ मिलेगा। उसके लिए आप लोगों को, अगर केवाईसी नहीं है, आपने अभी तक केवाईसी नहीं कराई है, तो दोस्तों केवाईसी करा लीजिएगा, क्योंकि आपकी पेंशन जल्द ही बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जिन लोगों का बैंक में केवाईसी नहीं है तो वो अपनी बैंक की केवाईसी करा ले, क्योंकि बैंक से भी पैसा फेल्ड हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटी सी जानकारी थी, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी दोस्तों आपको अच्छी लगी होगी। साथी चैनल पर नए हैं और पहली बार आए दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूले। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो दोस्तों आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उम्मीद करूंगा आपका उस सवाल का जवाब दिया जाएगा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।